आप सभी को बी गिल्ड में मेरी आना है। तो सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो गाइस। आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आज की वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ अपने सब्सक्राइबर के बारे में, जो कि कुछ सब्सक्राइबरों ने मुझसे बोला था कि भाई अपनी गिल्ड में ले लो, तो ये वीडियो उनके लिए ही है बिल्कुल, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को बी गिल्ड में मेरी आना है, तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा रूल को फॉलो करना है दोस्तों। आ जाओ फटाफट से गिल्ड में चलते हैं, गिल्ड में चल के आपको बता दें क्या करना है, ठीक है। तो आप सभी को दिख रहा होगा एक ही नुविता की मेरी गिल्ड है, जो कि एक ही नुविता नेम की गिल्ड है, सॉरी यार। तो और इसके बाद बात करते हैं यार, 5 लेवल की हो चुकी है, ठीक है। इसका 6 लेवल करवाना है, आप सभी को थोड़ा सा कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और गाइस, गिल्ड आईडी आपको दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी दिख रही होगी तो मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा दोस्तों, तो वहां से आप सभी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। आज गिल्ड मेंबर में आपको गिल्ड मेंबर की थोड़ी सी रूल बताता हूँ, गिल्ड मेंबर में आपको रह के क्या करना है, ठीक है। आपको एक दिन से ज्यादा ऑफलाइन नहीं रहना है, अगर एक दिन से ज्यादा आप ऑफलाइन रहते हो तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। और गाइस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप मजबूरी में ऑफलाइन रहते हो, मतलब क्या सीन हो जाता है कि आपको कहीं रिश्तेदारी के यहाँ जाना होता है तो आप ऑफलाइन रह सकते हो, लेकिन हाँ मुझे एक बार बता जरूर देना कि आकाश भाई मैं 1-2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे किक मत करना, ठीक है। तो आपको किक नहीं किया जाएगा मेरे भाई, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं करते हो तो आप अगर ऑफलाइन रहते हो तो आपको हटा दिया जाएगा, फिर बाद में वो आपकी गलती रहेगी, ठीक है। तो मुझे इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देना, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको गिल्ड में रह के आपको मिनिमम 6 दिन में आपको 2000 ग्लोरी करनी होती है, मतलब मैंने 2 दिन हुआ है, 2 दिन में मैंने 2000 दे दिया, तो आप 6 दिन में नहीं दे सकते हो क्या, ये तो नॉर्मल बात है, समझ गए ना। और गाइस, आपको एक चीज़ का और बता दूं कि आप गिल्ड में रिक्वेस्ट भेजने से पहले 34 का अवतार लगा लेना और डिफॉल्ट का बैनर लगा लेना, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना कि आप लोग मेरी गिल्ड में आना चाहते हो, ठीक है। मतलब वैसे आप और कुछ लगा के रखेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन 34 का अवतार और डिफॉल्ट का बैनर दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, राइट हैंड साइड पे दोनों मैंने लगा के रखा है, ठीक है। तो यार ये चीज़ आपको लगा के रखना है जब आपको रिक्वेस्ट भेजना है, उसके बाद कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नेम में कोई चेंजमेंट नहीं करना है, आप सभी को मैं ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा कि मेरी गिल्ड में आने के लिए कि भाई नेम में कोई चेंजमेंट करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला दोस्तों। मस्त रहने का गिल्ड में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा रूल को फॉलो करना है जो कि मैंने पहले ही बोल दिया है, आपको 6 दिन में 2000 ग्लोरी देनी है। आपको कहीं जाना है बाहर तो आप बोल सकते हो, मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, 3 दिन से ज़्यादा ऑफलाइन नहीं रहना है, इस चीज़ का याद रखना है, ठीक है। लेकिन हाँ, 1 दिन के लिए अभी बाहर जाना है तो मुझे एक बार बता जरूर देना, नहीं तो 1 दिन भी आपकी आईडी अगर ऑफलाइन रहती है तो वो तो बिल्कुल हटा दूंगा, ठीक है। आप अगर मुझे बता के जाते हो तो फिर आपकी आईडी नहीं हटाई जाएगी। लेकिन एक चीज़ और, रिक्वेस्ट भेजने से ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है, 34 का अवतार और डिफॉल्ट का बैनर जरूर लगा लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर दोस्तों।